नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे, यदि आपने खाद्य सुरक्षा पोर्टल मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि आपकी पात्रता पर्ची बनी हुई है और वो पात्रता पर्ची कहीं गुम गई, आपको नहीं मिल रही है, तो वो डुप्लीकेट पात्रता पर्ची आप घर बैठे फ्री में कैसे डाउनलोड करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से यदि आपकी खाद्यान्न पर्ची बन चुकी है, आप BPL में आते हैं या फिर आपको किसी तरह की सहायता के लिए आपकी जो खाद्य पर्ची है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है और वो कहीं गुम गई, आपको नहीं मिल रही है, तो वो खाद्यान्न पर्ची आप कैसे डाउनलोड करोगे, तो उसके लिए आपको मध्य प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर आना। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपनी खाद्यान्न पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल के माध्यम से हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि दोस्तों, आप पात्रता पर्ची वर्तमान माह में जारी जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपनी पुरानी पात्रता पर्ची भी यदि गुमी हुई है, गुम गई आपको नहीं मिल रही है, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में यदि आपकी नवीन पात्रता पर्ची बनी है तो स्क्रॉल करके नीचे आओगे और यहाँ पर आपको जो है दोस्तों, पात्रता पर्ची डाउनलोड करने का जो ऑप्शन दिख रहा है वर्तमान में जारी, इस पर आपको क्लिक कर अपनी पात्रता पर्ची डाउनलोड कर लेना है। यदि आपकी पुरानी पात्रता पर्ची है तो आपको सिंपल से डैशबोर्ड पर जाना है। जैसे आप डैशबोर्ड पर जाओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक नया ऑप्शन खुलकर आएगा, परिवार सदस्य, नवीन उचित मूल्य दुकान, कल्याणकारी संस्थाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले नवीन पात्रता पर्ची हेतु आवश्यक मार्गदर्शिका भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नवीन पात्रता पर्ची हेतु किए गए आवेदन की स्थिति भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नई टैब खुलकर आएगी, उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने सदस्य परिवार आईडी से आप अपनी जो जानकारी वो देख सकते हैं। तो जो भी आपकी परिवार आईडी वो यहाँ पर देना है, कैप्चा कोड देना और सिंपल से देखे पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप देखे पर क्लिक करोगे तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी पात्रता पर्ची की संबंधित जानकारी यहाँ पर पता चलेगा, दिनांक जो भी है आवेदक द्वारा कौन सी तारीख को परिवार पात्र घोषित कर खाद्य सुरक्षा पर्ची जारी करने अनुशंसा के आदेश यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर आवेदन RCMS एवं AEPSD स्वीकृत करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद में दोस्तों, हमें पुनः बैक पर जाना है और यहाँ पर नवीन पात्रता पर्ची हेतु किए गए आवेदन की पेंडेंसी देख सकते हैं, वर्तमान में लाभार्थी परिवारों की जानकारी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है पात्रता पर्ची डाउनलोड करे का, तो ये वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप पात्रता पर्ची डाउनलोड करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो एक नई टैब खुलकर सामने आएगी, अब जो है दोस्तों, नए तरीके से आपकी पात्रता पर्ची जो है डाउनलोड होगी। NFSA अंतर्गत पात्र परिवारों को अपनी पात्रता पर्ची की डुप्लीकेट प्रति डाउनलोड करने हेतु निर्देश, लाभार्थी परिवार आईडी प्रविष्ट करें, सदस्य आईडी प्रविष्ट करें, सदस्य का लाभार्थी परिवार में सम्मिलित होना आवश्यक है, उक्त सदस्य का आधार प्रविष्ट कर टैप बटन पुश करें, सदस्य का यह आधार DPS में हितग्राही के साथ सीड होना आवश्यक है, प्रविष्ट आधार के संलग्न मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा, प्राप्त OTP दर्ज कर पात्रता पर्ची की डुप्लीकेट प्रति डाउनलोड की जा सकती है। तो सिंपल से आपको यहाँ पर आपका जो भी फैमिली आईडी नंबर है जिससे आपको पात्रता पर्ची बनवाई है, वो परिवार आईडी नंबर यहाँ पर आपको देना है। जैसे आप फैमिली आईडी नंबर दोगे, उसके बाद में दोस्तों मेंबर आईडी, तो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो परिवार में कितने सदस्य का पात्रता पर्ची में नाम है उनकी लिस्ट खुलकर आ जाएगी, उनमें से किसी एक का आप या तो मुखिया का, जिसके नाम से बनी है मुखिया का जो समग्र आईडी है उसको आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर दोगे उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार नंबर भी टाइप करना है, तो यहाँ पर आप आधार नंबर टाइप कर ले। आधार नंबर टाइप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है दोस्तों, जैसे टैप की पर प्रेस करोगे तो आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक OTP प्राप्त होगी, वो OTP दोस्तों आपको देना, OTP वेरीफाई कर लेनी, उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड देना है, और सिंपल से परिवार की पात्रता पर्ची संबंधी जानकारी प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर OTP वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद में दोस्तों परिवार की पात्रता पर्ची संबंधी जानकारी प्राप्त करे पर क्लिक करोगे तो आपकी जो भी पात्रता पर्ची है, गुमी हुई पात्रता पर्ची, वो डुप्लीकेट पात्रता पर्ची आपकी जो है सामने आ जाएगी। उसके बाद में उसकी प्रिंट निकाल ले और जो भी फूड इंस्पेक्टर है जहाँ से आपका ये वेरीफाई हुआ है वहाँ पर जाना है और उनसे जो है दोस्तों इस पर सील सिग्नेचर करवा लेना है,
और सील सिग्नेचर करवाने के बाद में आप ये पात्रता पर्ची जहाँ पर भी उपयोग लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश जो खाद्य विभाग के माध्यम से यदि आपको पात्रता पर्ची जारी हुई है और वो कहीं गुम गई है तो वो पात्रता पर्ची की डुप्लीकेट पर्ची आप इस तरीके से घर बैठे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।